तबले पर तालों के बोल कैसे पहचाने जाएं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वीडियो है ये। पहले एक मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने समझाया था कि जो बोल होते हैं वो पहचानते कैसे हैं, लेकिन आज हम पूरी की पूरी तालों को पहचानने का और उन तालों का अलग अलग प्रयोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आज मेरे साथ हमारे ही स्टूडेंट हैं, भवेन खोखावत। आप इन्हें जानते हैं, आपने इनकी गज़लें सुनी हैं, आपने इनके भजन गीत बहुत कुछ सुना है, हारमोनियम वादन सुना है, तबला वादन सुना है। तो आज इनकी मदद से आप सभी को मैं ये चीज़ समझाने की बताने की कोशिश करूंगा, एक मदद करने की कोशिश रहेगी मेरी, कि तालों को तबले पर कैसे पहचाना जाता है, कैसे उन तालों के अलग अलग प्रकार अलग अलग गायन के साथ, गायन शैलियों के साथ जब बजते हैं तो कैसे पहचाना जाए। ये बिगिनियर्स के लिए वीडियो है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैंने नदिया किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, मैंने गंगा किनारे देखे राम जी। विभिन्न तालें अब तक आप लोग सभी सीख चुके हैं। ताल और लय, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो संगीत के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। स्वर के अलावा स्वर, लय, ताल, ये तीन चीज़ें हों तो किसी भी प्रकार का संगीत आप समझ सकते हैं। इन तीन पर अगर आपका कमांड हो, इन तीन की अगर आप में समझ हो, तो भले ही वो शास्त्रीय हो या हमारा भारतीय शास्त्रीय हो, कर्नाटक संगीत हो या पाश्चात्य संगीत हो, किसी भी प्रकार का संगीत हो, फिर वो भले ही फिल्मी क्यों ना हो, वो गैर फिल्मी गज़लें क्यों ना हो, भजन क्यों ना हो, कव्वालियाँ क्यों ना हो, कुछ भी, किसी भी प्रकार का, किसी भी एरा का, किसी भी जॉनर का, ध्रुपद से लेकर ख्याल से लेकर गीत तक और फिर वेस्टर्न भी, ये सारा संपूर्ण संगीत और इनफैक्ट आपका हर एक इंस्ट्रूमेंट भी, हर गायन शैली तो है ही पर हर एक इंस्ट्रूमेंट भी आप समझ सकते हैं, उसकी समझ आप में पैदा हो जाएगी अगर आपने इन तीन स्तंभों को अच्छे से समझा है। तो ताल, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तौलने के काम आता है, मेजरमेंट के काम आता है। संगीत में कोई गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, नृत्य हो रहा है, उसमें जो भी चीज़ गाई बजाई या नाची जा रही है, उस चीज़ को मेजर करने के लिए, कि वो उसका पैमाना तय करने के लिए, उसका स्केल तय करने के लिए, जैसा कि रूलर हमारा काम करता है, स्केल है ना, कि ये इतना मीटर का है, उसी प्रकार से ताल हमारा काम करती है तौलने का, कि ये कितनी मात्राओं में बंधा हुआ था, और लय उसकी गति जो है वो हमें ये बताती है कि ये कितना धीमा कितना तेज़ होगा, उसका भाव उसकी लय से तय होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा विचलित उसमें अगर भाव दिखाना है तो गति थोड़ी तेज़ होगी, गंभीरता दिखानी है तो गति कम होगी, तो लय वो काम करती है हमारा। मगर आज ताल और लय की परिभाषाओं में ना ज़्यादा जाते हुए, क्योंकि वो आप लोग पहले से जानते हैं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, उनके बोलों को तबले पर कैसे पहचाना जाता है वहाँ आते हैं। ताल पक्ष हम लोग सीखते ज़रूर हैं, उसके बोलों को समझते ज़रूर हैं और लयकारियाँ करते हैं, ठा दुगुन चौगुन करते हैं, मगर जब बात आती है लाइव तबले पर गाने बजाने की, तब हमें थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। हमें ये समझ नहीं आता है कि ये ताल बज कौन सी रही है, या ताल भी पता पड़ जाती है तो ये नहीं पता पड़ता है कि ताल का प्रकार कौन सा बज रहा है, क्योंकि कई बार वही ताल अगर थोड़े से वेरिएशंस के साथ आपके सामने बजा दी जाए तो आपको पता नहीं पड़ता कि शायद ताल बदल गई, आपको ऐसा लगने लगता है ना, या फिर उसी ताल के बजते बजते कोई दूसरी ताल का प्रयोग करके दोबारा, यानी छंद बदल के दोबारा उसी ताल में आया जाए, तब भी आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये ताल बदली, ये ताल दूसरी बज गई थी या वही ताल चल रही थी। तो उसका जो गणित होता है, उसका अनुभव, स्वाभाविक सी बात है, मैं वीडियो के माध्यम से तो आपको पहुँचा नहीं सकता, क्योंकि ये लाइव अनुभव की चीज़ है, ये माहौल की चीज़ है, ये संगत की चीज़ है। जब आप बहुत बार तबला वादक के साथ बैठते हैं तो अलग अलग चीजें आपको जानने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, कि अच्छा ये ताल ऐसे भी बज सकती है, इस ताल में यहां ऐसा जाएगा, वहां ऐसा बजेगा, उसमें अलग अलग लोच जिसकी हम बात करते हैं वो आपको समझ आते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि कैसे ठेके बजाए जाते हैं, कैसे उन ठेकों के प्रकार बन सकते हैं, और कैसे गजल में बजेगा तो कैसे भजन में बजेगा, कैसे गीत में बजेगा, कैसे और कव्वालियों में या सूफी में या किसी भी प्रकार से अगर बज रहा है, कहरवा बज रहा है तो कहरवा के अलग अलग प्रकार, दादरा बज रहा है तो दादरा के प्रकार, रूपक बज रहा है तो अलग अलग लय में कैसे उसका प्रकार बदल जाता है, उसकी जानकारी लेने की हम आज कोशिश करेंगे। तो भवेन हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो बेसिक बोल होते हैं उन्हें हम जान लेते हैं कि तबले पर वो कैसे बनते हैं, ताकि आप ये पहचान पाएं कि वो बोल कौन सा बजा। ताल पहचानने के लिए बोल पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो ताल के बोल बदल के भी बजते हैं।
जरूरी नहीं है कि हमेशा दादरा धादिन्ना धातिन्ना ही बजे या रूपक तिन्तिन्ना धिन्ना धिन्ना ही बजे, लेकिन फिर भी जो बेसिक ठेका है उसको जान लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर तो आपके साथ वही बजेगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपके साथ वही बजाया जाएगा, ज़्यादा वेरिएशंस करके आपको कन्फ्यूज़ करना कोई मकसद नहीं होता है तबले वाले का, तो वो एक बार जान लें। अच्छा, इस पर मैंने पहले एक वीडियो दे दिया है तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा उसका एक ग्लिम्प्स अगर मैं आपको बता दूँ तो इन बोलों को तबले पर पहचानने के लिए क्या चीज़ जानना ज़रूरी है। ओनोमोटोपोइया ये एक पोएटिक डिवाइस होता है इंग्लिश का। जैसा आप देखेंगे जो भी साउंड है, जिस प्रकार का वो साउंड आ रहा है उसका वो वर्ड होता है। हमारी भाषा में देखा जाए तो कोई लॉजिक हमें समझ नहीं आता है कि हम कहते हैं कुत्ता भौ भौ करता है तो ये भौ क्या होता है, या हम कहते हैं ना कि डॉग वूफ वूफ साउंड होता है, अंग्रेजी में अगर बोलें कि डॉग का साउंड वूफ है, काऊ का मा है, है ना, तो ये कौन से साउंड्स हैं, हमको कैसे पता कि वो यही वाला साउंड बोल रहा है और हमने ये नाम कैसे दे दिया। तो जैसा वो साउंड रिजेंबल कर रहा है वैसा हमने वर्ड बना दिया, जैसे कहते हैं धड़ाम से गिर पड़ा या तड़ाख से चांटा पड़ा, तो ये जो साउंड होते हैं ना वैसा ही साउंड आता है जब वो एक्शन होता है, इसीलिए हमने उसका नाम दे दिया। अब यही कंसेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए तबले पर। जब हम कहते हैं ना तो ना का साउंड आता है, आप सुनिए, ये साउंड सुनकर अगर मैं ना या ता बोलता हूं तो क्या ये रिजेंबल करता है, फिर से सुनिएगा, मैंने बोला ता ना तुन, तो क्या ये साउंड आपको रिजेंबल कर रहा है, आप उस चीज पर फोकस करें तो अपने आप आपको ताल पहचान में आ जाएगी। ती ट तुन ना ना तुन, तो ये साउंड आपको रिजेंबल करेगा। गे घे, अब ये देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है तबले में दायां और बायां होता है, लेफ्ट और राइट होता है, तो आपके बाएं पर जो बोल बज रहे हैं वो कौन कौन से हैं, गे घे कत, ये तीन बोल मुख्य तौर पर यहां बज रहे हैं। अब कत बजाने का एक और तरीका भी होता है, कई लोग ऐसे करके भी कत बजाते हैं, वो भी देख लीजिए, अब उसका भी साउंड और पूरे कत का साउंड, पूरे हाथ का साउंड लगभग लगभग आपको सिमिलर नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये साउंड हो गए। अब आते हैं दाएं पर, वहां जो जो साउंड निकलते हैं उसमें थोड़ी वेराइटीज ज्यादा हैं, ना तुन ति ट तिन। अब ना और तिन और ता और तिन, इनका साउंड थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, सुनने में इतनी आसानी से हर एक आदमी को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा बारीक फर्क होता है। अगर आप सुनेंगे कि तिन थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और ता और ना थोड़ा सा स्ट्रोक होगा उसमें, तो हम देखेंगे ता ता तिन, आप महसूस करेंगे थोड़ा बारीक फर्क है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ईयरफोन्स लगा लीजिए ताकि वो बारीक फर्क आपको मालूम चले। ता तुन ना, अब आप देख रहे हैं ता और ना एक ही बात है, एक ही बोल है, ऐसे कई जगह आपको मिलेंगे देखने में कि जिनका साउंड रिजेंबल कर रहा है तो नाम भी उसका रिजेंबल करता है, ठीक है, ता ना एक ही बात हो जाती है। फिर हम बजाएंगे तिट ता तुन ना, अब ये तो आपके इंडिविजुअल बोल हो गए। अब आप वर्णमाला भी अगर जब हिंदी की सीखते हैं तो आपको पता है कि संयुक्ताक्षर एक चीज होती है, यानी दो अक्षर मिलके एक अक्षर बनते हैं, जैसे कि त और र मिलके त्र बन जाते हैं, ग और य मिलके ज्ञ बन जाते हैं, श और र मिलके श्र बन जाते हैं, उसी तरह से तबले पर भी होता है। ना या ता और गे ये दोनों मिलके धा बनते हैं, तो सुनिए धा, तो ये धा का साउंड है। अब धिन, तो कई लोग धिन को तुन के साथ बजाएंगे, गे और तुन का साउंड बजाएंगे, तो धिन कैसा साउंड करेगा, ये धिन है, ठीक है, तो ये कुछ बोल हो गए। वैसे इसके आगे और भी बोल होते हैं, जैसे आप गे और तिट को मिला के बजाएं तो धिट बजता है ना, पर ये आपका चलो उतना तालों में उतना काम नहीं आ रहा है, लेकिन ये बजते हैं, ये बोल भी हैं। अब कई आगे एडवांस बोल भी होते हैं, जैसे धीरे धीरे, अब ये जो साउंड है अगर सिंगल बजे तो वो तिर तिर कहलाता है, और यही गे के साथ बजे तो धीर धीर कहलाता है, ठीक है, तो ये कुछ है, ये थोड़ा एडवांस है, ये आप अगर नहीं भी जाने तो भी ऐसा कुछ बुरा नहीं हो जाना है, ठीक है। एक साउंड आप बहुत ज्यादा लाइट म्यूजिक में सुनते हैं जो तक का बोल है, अब तक कैसे बजता है, ये थोड़ा सा चिपका सा साउंड है, यानी ना की जगह ही बज रहा है लेकिन तक वो थोड़ा क्लोज हो गया, यानी ना को आपने बंद कर दिया, एक चिपकने का साउंड है, तो कई लोग उसे चक भी बोलते हैं, लेकिन चक तो ठीक है देसी भाषा में हम बोल देते हैं बोलचाल में, लेकिन उसका अगर शास्त्र अनुसार बोल का नाम जाए तो वो तक बनता है, तो तक, अब तक तुन है ना, तो ये आप देख रहे हैं कुछ कुछ बोले। आइए अब ताल को पहचानने की कोशिश करेंगे, जब ये बोल आपको पहचान में आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी चीज है वो ताल भी आपको पहचान में आने लग जाएगी, लेकिन वो पहचान कब आएगी, हमेशा बोला है मैंने पहचान तभी आती है जब उसकी जानकारी आपके पास होती है, पहले जान फिर पहचान,
तो पहले उनको जान लें और जानने के लिए उनके साथ वक्त बिताएं। जब तक आप उनके साथ वक्त नहीं बिताएंगे तब तक आप उन्हें जान नहीं सकते, तो पहचानेंगे कैसे? तो वक्त बिताने का मेरा मतलब है हाथ पर ताली देकर आप बार बार उन तालों का रेसिटेशन पढ़ंत करते हैं अलग अलग लयकारियों में, ठाह दो गुन, तीन गुन, चार गुन। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हम ये हाथ पर ताली देकर तो कर रहे हैं मगर तबले पर बजेगा तो कैसे पहचानेंगे? तो यही प्रक्रिया है। सबसे पहले हाथ पर ताली खाली देकर आप उनको बोलते हैं, अलग अलग लयों में बोलते हैं, यानी उसकी बोल यहाँ बसा लेते हैं पहले अच्छे से। फिर जब वही बोल यहाँ बजेंगे, जब यहाँ जानकारी है, यहाँ स्टोरेज में है, मेमोरी में है, तो पहचान में भी तुरंत वो मैच फाउंड आ जाना है। ठीक है, अब उसकी चाल ज़रा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वही ताल आपको मैं अलग अलग लय में बजाऊँगा तो कुछ तो समझ आएगी और कुछ नहीं समझ आएगी। जैसे बहुत एक चलत का कहरवा अगर हम बजाते हैं, जैसे जो चलता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच, तो आप तुरंत पहचान लेते हैं। देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ये कहरवा देखिए आपको बड़ा सिमिलर लग रहा होगा, है ना? आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा ये, आपको लग रहा है ये कहरवा है ना? अब यही मैंने ठाह लय में बना दिया और बीट टू बीट इसको बजाया, तो ये पहचानना आपके लिए थोड़ा सा दुश्वार हो जाना है। बजाइए, धागे नाते ना कधिन्ना, धागे नाते ना कधिन्ना। सुनिए, अब ये एकदम शुद्ध बज गया तो आपके लिए पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन ये वही कहरवा है। अब यही कहरवा भजनों में बन जाता है, तो एक पूरा वीडियो दिया है मैंने इस पर कि भजन ठेका क्या होता है, तो उसे देख लीजिएगा तो आपको ये तुरंत अभी समझ आ जाएगा। भजन ठेका बेसिक सा है, धिन ना धिन देना धिन ना तिन तेना। अब यही आठ मात्रा है, वही कहरवा है, लेकिन थोड़ी सी चाल बदली है, थोड़ी बीच में ऑफ बीट आती है, फिर बीट में आ जाता है, थोड़ा लोच आया है, तो वो कैसे बजता है? धिन ना धिन देना धिन ना तिन तेना। तो अब ये पहचान पा रहे हैं, ये भजन ठेका है ना? इसमें थोड़ा सा लोच है। अब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, धिन ना धिन देना धिन ना तिन तेना, थोड़ा सा लोच है, धिन ना धिन धिन ना, है ना? दो मात्राएं ऑफ में और फिर दोबारा बीट में आते हैं, तो ये एक भजन ठेके का प्रकार हो गया। अब यही कहरवा आपकी गजल में बज जाएगी, है ना? तो कैसे बजेगी? अलग अलग प्रकार हैं, देखिए उसका। आप मेहदी हसन साहब की अगर पुरानी गजलें सुनते हैं तो उसमें जो कहरवा बजती है, धा ता क तेट ताता तेट धिन धिन धा धा गे ना क तेट। अब ये भी कहरवा ही चल रही है। अब यही थोड़ी वेस्टर्न कहरवा हो जाए तो बजाइए, वेस्टर्न कहरवा में कैसा चलेगा? हाँ, अब यही आप जगजीत साहब की गजलें सुनते हैं, उसमें जो कहरवा चलती है उसका थोड़ा चलन अलग है, एक दो एक दो ता एक दो एक दो ता, इस प्रकार की कहरवा चलती है, जिसका जिसकी बांट ही बदल गई, वो चार चार की नहीं अब तीन तीन दो की बांट हो गई, एक दो तीन ता ता, ऐसे जा रही है। सुनिए उसको, सुनिए। ठीक है, अब जैसे इस कहरवा के साथ मैं गायन करूं तो किस प्रकार की गजल? तुमको देखा तो ये ख्याल आया। ये इस टाइप की, इस रिदम की, इस लय में जो गजल बज रही है ये आपकी कहरवा में चल रही है और इस वाली कहरवा में चल रही है। अब यही हम मेहदी हसन साहब की गजल लेते हैं। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। अब इस लय की गजल ली तो ऐसा वाला कहरवा बजा इसमें। अब ये थोड़ा सा चलत में ले लें। अब जैसे मैंने भजन की बात की तो भजन ठेका सुन लीजिए। मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, हाँ मैंने गंगा किनारे देखे राम जी, तो उसमें इस प्रकार का बज गया,
है ना। अब यही आपके कोई सा भी भजन हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि हर भजन आपका कैरवा में ही होगा, है ना। कई भजन अलग अलग तालों में भी होते हैं, लेकिन अभी हम कैरवा की बात कर रहे हैं कि कैरवा को हमको पहचानना है तो उसकी अलग अलग चाल क्या होगी। अब ताल को समझने के लिए उसकी चाल समझना जरूरी होता है, और ताल की चाल उसके वजन, उसके छंद, उसके डिवीजन से आती है। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वजन मालूम है तो आप कहरवा को पहचान सकते हैं, क्योंकि कहरवा किसी भी प्रकार से बजे ये वजन उससे गायब नहीं होगा। बनिस्बत कि कभी कभार ये हो सकता है अगर आपने वो ठेका ही बदल लिया है, जैसे अभी मैंने जो जगजीत साहब की गजलों में जो अक्सर बजा करता है वो ठेका बताया, उसकी चाल बदल गई, लेकिन फिर भी आप उसमें वो वजन फाइंड आउट कर सकते हैं गिन कर, ठीक है। तो अभी हम कहरवा सुनते हैं, चलत का कहरवा, अगर वो हम गाएंगे तो किस प्रकार से गवेगा बजाइए। प्रकार से बजा। अब थोड़ा कहरवा के प्रकार सुनते हैं कि एक जैसी चलत चल रही, फिर ये वेरिएशन करेंगे, उसमें ठेके बदलेंगे, तब भी आप वो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दिमाग में रखिएगा और देखिएगा, महसूस कीजिएगा क्या वो ताल कहरवा ही चल रही है या बदल गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 चला ही दिमाग में, अब बदलेंगे। हाँ, चेंज कीजिए। ठीक है, तो ये आपने देखा कि इन्होंने अलग अलग प्रकार से बजाया, लेकिन उसमें जो छंद था 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वही चलता रहा। वेरिएशन ताल का बहुत एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। ताल कभी भी इलेक्ट्रॉनिक तबले की तरह एक जैसी नहीं चलेगी। तबले पर अगर मैनुअली बज रही है उसमें परिवर्तन आएगा, और उन परिवर्तनों को पहचानना वो आपका काम है। वो कैसे होता है उसका भी अभ्यास होता है। जब आप तालों का अभ्यास कर रहे हैं तो आप स्वतः वेरिएट करेंगे, खुद से वेरिएशंस का अभ्यास करेंगे। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, ये बेसिक ठेका है जो 3 ताल का आपको कराया जाता है। इसमें जब मैं अभ्यास करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, कुछ एक्सरसाइजेस देता हूँ, चलिए इसमें वेरिएशन कीजिए, कोई सी भी रैंडम मात्रा मैंने बोल दी और बोला कि वहां 2 गुना कर देंगे, जो बोल वहां है उसको 2 गुना कर दीजिए। धा धिन 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 धा, धा धिन 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 धा, धा तिन 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 ता, ता धिन 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 धा, धा धा धिन धिन धा, धा धा धिन धिन धा, धा तिन 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 ता, ता ता धिन 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 धा। कोई और एक्स्ट्रा बोल ऐड करने को नहीं बोला, उन्हीं बोलों में से वेरिएट करते रहिए, और फिर वेरिएशन जहां 2 गुण है वहां कभी कभार 3 गुण या 4 गुण भी हो सकता है, और वहां ऑफ बीट भी हो सकता है। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता ता धिन धिन धा, धा धा धिन धिन धिन, धा 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 धिन धिन धिन, धा 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 तिन तिन तिन, ता ता धिन धिन धा धा, इस तरह से। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है अगर स्टेप बाय स्टेप किया जाए। पहले आप ऑफ बीट में बोलेंगे हर ताल को, फिर आप डबल 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 बोलेंगे, फिर उनको मिश्रण में लाएंगे, कभी ऑफ दे देंगे कभी डबल दे देंगे, है ना। तो ये करना कोई मुश्किल काम नहीं। जब इस तरह से आप तालों के साथ खेलते हैं तो उनसे दोस्ती हो जाती है, तो अपने आप उनके साथ परिचय हो जाता है और उन्हें पहचानने लगते हैं आप, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज है जो आप करेंगे। अब एक एक करके हम सारी तालों को इसी तरह से देख लेते हैं। सबसे पहले जो सुप्रसिद्ध ताल है 3 ताल, उसको देख लेते हैं। जो उसके बोल अभी मैंने बताए थे ना कि गे और ना से धा बनता है, और गे और तिन से आपका धिन बन जाता है, तो वो सारे आपने देख ही लिए थे। आइए उन पूरी की पूरी 3 ताल को पहचानने की कोशिश करेंगे। एक एक करके मैं उसके 4-4 मात्रा बोलूंगा, 4-4 ये बजाएंगे, आप देखिएगा क्या आप रिजेंबल कर पा रहे हैं। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। अब इसकी वेरिएशंस देखिएगा।
धा धिन 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 धा धा धिन 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 धा। धागे तिन तिन ता ताता धिन धिन धा। अब आपने अक्सर ये चीज देखी होगी कि तीन ताल जो होती है, जैसे ही 13, 14, 15, 16 आती है, वहां कुछ कुछ बजता है। जैसे कई स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि इलेक्ट्रॉनिक तबला पर भी हम जब इस ताल को प्ले करते हैं तो 13, 14, 15, 16 जो है वो हमें पहचान में नहीं आती है, वहां ता दिन धिंदा तो नहीं बजता है, वहां कुछ और बजता है। तो कई बार उस जगह थोड़ा मोहरे जैसा कुछ बजता है। अब ये मोहरा क्या चीज है? मोहरा या तो ताल को शुरू करने से पहले बजाया जाता है, या ताल का चक्र जब पूरा होने वाला होता है उससे पहले, यानी सम आने से पहले वो बजाया जाता है। जैसा कई बार आपने कहरवा में सुना होगा, तिट ता ता तिट ता ता तिट ता तिरकट तक तिरकट धिन्ना तिटक धिन्ना धिन्ना तचक धिन्ना, है ना। जैसे सुन लेते हैं एक बार, उस मोहरे को सुने, तिट ता ता तिट ता ता तिट ता तिरकट तक तिरकट धिन्ना नचक धाना धागे ना तिनक धिन्ना, ऐसे बजेगा। सुनिए एक बार उसे। ये आपने सुना एक छोटा सा पीस पहले बजा। अब यही तीन ताल में होता है। तीन ताल क्योंकि शुद्ध और शास्त्रीय के साथ बजती है तो उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं बजता है, हल्का फुल्का बजेगा ताकि आपको भी समझ आ जाए, माधुर्य भी बना रहे और जो माहौल चल रहा है वो भी ना बिगड़े। वहां ऐसा नहीं कुछ ज्यादा ही धबड़ धबड़ धबड़, ये तो थोड़ा सा फोक अंदाज है ना, तो इसमें चलता है, ठीक है। तो तीन ताल में अक्सर कैसे बजेगा? धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता तिट धिन धिन धा। एक बोल बदल जाता है तिट धिन धिन धा, या फिर बच जाता है ताता धिन धिन धा। तो ये ताता भी होते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो क्या था, है ना। तो वो वही वेरिएशन था जो अभी मैं करा रहा था कि आप अलग अलग मात्राओं पे करके देखिए। वो मैनुअली बजेगा तो वहां पे अलग अलग बज सकता है, ठीक है। तो तिट धिन धिन धा के साथ तीन ताल का ठेका सुनिए कैसा सुनाई देता है। धा धिन धिन धा अब आपने देखा, धा धिन धिन धा धागे धिन धिन धा, इस तरह से भी बजाया गया। धागे बोल आपके लिए कोई अनफेमिलियर नहीं है अगर आपने एक ताल सीखी है। धिन धिन धागे तिरकट, वहां धागे तिरकट का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो भी तिरकट धुमकिट या तबले पर बजाए जाते हैं ये आपके लिए अनफेमिलियर नहीं है, ये वही बोल बजा रहे हैं जो आपने सीखे हुए हैं। हाँ, जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा बोल मैंने बताए, जैसे कि धिर धिर धिट, ये बोल आपके सुने हुए नहीं है, सीखे हुए नहीं है, तो आपको लगता है कि यार ये क्या चीज है। तो उसका प्रयोग वैसे भी उतना ज्यादा आपके संगत में नहीं होता है, वो उनका एकल वादन होगा तब कर लेंगे, या फिर आप गाते गाते आपने चांस दिया तब करेंगे। ठेके में उसका प्रयोग इतना ज्यादा नहीं करेंगे, अनलेस कि मान लीजिए कोई विलंबित बजा रहा है तो विलंबित में फिर भी कर लेगा, लेकिन धीरे धीरे मेरे ख्याल से उतना नहीं, वो वेरिएशन में इस्तेमाल नहीं करेगा, एकल वादन में इस्तेमाल कर लेगा। या उसकी चांस पड़ी है तो वो कुछ अपना कायदा रेला पलटा जो भी बजा रहा है, या कोई टुकड़ा परण जो भी बजाएगा उसमें उसका इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। अब इसी तीन ताल पर ज़्यादा मैं गौर कर रहा हूँ, वैसे और भी ताले जो है उनमें भी यही वेरिएशन होते हैं, लेकिन तीन ताल क्योंकि सुप्रसिद्ध है और ज़्यादा उपयोग में आती है और आपके काम भी पहले सबसे ज़्यादा वही आएगी, तो एक बार उसी को जान लेते हैं, उसको थोड़ा सा वेरिएशन के साथ सुनते हैं, क्या तब भी आप पहचान पा रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा वेरिएशन के साथ तीन ताल को सुनिए। खंड को पहचानने की कोशिश कीजिए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अगर वो वजन आपको पहचान में आ रहा है तो ये ताल बिल्कुल अच्छे से पहचान आ जाएगी। अब ये कई जगह पे क्रधिन भी लगा रहे हैं। अब क्रधिन कैसे बजता है एक बार वो सिंगुलर देख लेते हैं। क्रधिन, तो इसमें आपने देखा क और ट, ये दोनों एक साथ बजा तो ये कड़ा बन गया, और फिर बाकी दिन तो आपका फैमिलियर था ही। तो ऐसा कुछ ज्यादा अलग अलग बोल नहीं होते, उन्हीं बोलों के मिश्रण के साथ बजाया जाता है। तो धा क्रधिन धिन धा, ऐसा कुछ बजाया था इन्होंने बीच में, फिर धा क्रधिन धिन धिन धा, ठीक है। तो ये आप जब मुंह जबानी, मैंने क्या बोला, पहले पढ़ंत फिर निकास, जब आप पढ़ पढ़ के इन सारे वेरिएशंस का अभ्यास कर लेते हैं तो बजाने में आपको कोई दिक्कत नहीं और पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे कोई ज्यादा अनफेमिलियर बोलिए बजाएंगे नहीं। धा क्रधिन धिन धिन धा, धागे धिन क्रधिन धिन धा, धागे तिन तिन ता तिरकिट धा तिरकिट तिन तिरकिट धा धिन। अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने तिरकिट का भी इस्तेमाल कर लिया, छोटी सी एक तिहाई मार दी, मोहरा का रूप ले लिया, तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा, छोटी सी इन्होंने तिहाई का रूप लेके मोहरे का इस्तेमाल कर लिया और वहां पे बजा लिया। तो इस तरह से जब आप तालों को अलग अलग वेरिएशंस के साथ पहले खुद बोलना शुरू करते हैं तो अपने आप वो पहचान में आने लग जाते हैं, ठीक है। अब आइए रूपक देख लेते हैं। रूपक कैसे बजेगी? तिन तिन ना, ये बोल है। ये ज्यादातर आप देख रहे हैं
दाएं पर ही काम हो रहा है इसका, फिर धिन्ना धिन्ना। अब ये भी अलग अलग वेरिएशन से बच सकती है, पहले आप पूरा ठेका सुन लीजिए, धिन धिन्ना 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 तिन तिन्ना तिन। अब इसके वेरिएशंस देखिए, अब ये कौन से बोल बजा रहे हैं, तिन ता तिरिकिट। अब ता भी आपका फैमिलियर है, तिरिकिट भी आपका फैमिलियर है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये खेल कर रहे हैं, कभी ऑफ जाते हैं कभी लय बदल देते हैं। तो ये लयकारियां जब तक आपने खुद से इंडिविजुअल नहीं सीखी हैं, अगर मैं कहता हूं तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना तिन तिन्ना, इस चीज का अभ्यास अगर आपने नहीं किया है तो वो अगर यहां बजेगा तो पहचानोगे कैसे, ये कर कुछ नहीं रहे, उन्हीं थोड़ी यहां से ली थोड़ी वहां से ली थोड़ी यहां से ली, उपज है उस समय जो महसूस हो रहा है, जो दिमाग में आ रहा है, जो फील बन रहा है उस अनुसार वो बना दिया। और यही गायकी में भी उपज होती है कि थोड़ा यहां से लेते हैं, थोड़ा ये अलंकार वहां से लिया, वो अलंकार वो पलटा वहां से लिया, और यहां से थोड़ा कुछ कॉम्बिनेशन, थोड़ा मेरखंड डाला, थोड़ा जंप दिया, आपने कोई एक आलापतान बना दी, जो कॉम्बिनेशन ही है। लेकिन उस वो कॉम्बिनेशन आता कहां है, जब यहां बहुत सारा स्टोर है डेटा। तो डेटा स्टोर कीजिए, सबसे पहले अलग अलग तालों को ऑफ बीट में कीजिए, अलग अलग लयकारियों में कीजिए, अपने आप वो चीज पहचानने में आ जाएगी। अब तिन तातेट धिन धिन नाना धिन धिन नाना तिन तातेट धिन धिन नाना धिन धिन नाना तिन तातेट। अब ये तातेट थोड़ा जंप है, तिन तातेट धिन धिन नाना धिन धिन नाना तिन तिन धिन धिन नाना धिन धिन नाना तिन तिन धिन धिन नाना। अब ये थोड़ी सी लय का प्रयोग है, पता ता धिन धिन नाना। अब ये धिन धिन नाना क्या चीज है, वही जो मैं अभी शुरुआत में कह रहा था तीन ताल में, कि हर एक बोल को डबल डबल कर दो। अब धिन ना धिन ना धिन धिन नाना धिन धिन नाना, हर को आपने डबल डबल कर दिया, तो ये थोड़ा लोच हो गया, थोड़ा वेरिएशन हो गया। जब ताल देखिए, धिन ना कर धिन धिन ना तिट धिन ना तिट धिन तक तिट धिन तक तिट धिन ना। अभी आप एक बार पहले शुद्ध सुने, तिन ना धिन ना धिन ना तिन ना। अब थोड़ा वेरिएशन, धिन ना कर धिन कर धिन धिन ना तिट धिन ना तिट धिन धिन ना तिट धिन ना। अब इसमें वो खंड पहचानी है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। अगर ये छंद आपको पता है तो खुद ब खुद वो ताल पहचान में आ जाएगी। आइए एक ताल देख लेते हैं, एक ताल का भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि एक ताल कैसे, क्योंकि एक ताल दो तरह से बजती है, एक ताल जो है वो चतुस्त्र में भी बजती है, तिस्त्र में भी बजती है। तो आइए दोनों तरीके से देख लेते हैं। धिन धिन धागे तेरे किट तुन्ना कत्ता धागे तेरे किट धिन्ना। अब ये सारे बोल आपने इंडिविजुअल सुन लिए हैं, पहले ना भी सुना है, कत भी सुना है, ता भी सुना है, तिरकिट भी सुना है, तो उन्हीं का मिश्रण है। धिन धिन हाँ बजाइए। अब ये थोड़ी ज्यादा स्पीड में बज जाती है तो वो तिरकिट का तिट बन जाता है, ये भी आपको बोलते समय सिखाई जाती है। धिन धिन धागे तिट तुन्ना कत्ता धागे तिट धिन्ना धिन धिन धागे तिट, ठीक है। तो ये अलग अलग ताले हो गई। अब जैसे आप अब इनको पहचानना कैसे है, उसके लिए क्या है कि इनमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी पहले, स्वाभाविक सी चीज है। अगर आप झपताल को अच्छे से पहचानना चाहते हैं, या झपताल, कई लोग ये भी कहते हैं तो मैं कहरवा में अच्छे से गा लेता हूं लेकिन रूपक में अच्छे से नहीं गा पाता, या झपताल के साथ जब गाता हूं तो थोड़ा सा चलन क्योंकि टेढ़ा है उसका, तो गायकी में दिक्कत आती है। तीन ताल में आसानी से हो जाता है, कहरवा में आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज कब क्लियर हो पाएगी, जब उन तालों में, जैसे कहते हैं ना, फेस योर फियर्स, अगर आप उन डर उसका सामना करेंगे तो वो डर गायब हो जाना है। तो सीधी सी बात है, अगर चाहते हो कि दादरा में अच्छे से गा पाओ, दादरा के साथ भी उतनी उसी तरह से खेल पाओ जिस तरह से आप 16 मात्रा में खेल सकते हो, या थोड़ी और विषम में जाएं कि 9 मात्रा में या 11 मात्रा में 13 मात्रा में आपका वादन या गायन या नर्तन अच्छे से हो पाए, तो स्वाभाविक है उसमें अभ्यास उसी में करना पड़ेगा, है ना। जैसे मैं कहता हूँ लंबी सांस करनी है तो लंबी सांसों का अभ्यास करो, यानी वही चीज़ आपको करनी पड़ती है तभी वही चीज़ सॉल्व होती है आपकी, ठीक है। तो एक बार हम दादरा भी सुन लेते हैं कि दादरा अलग अलग तरीके से कैसे बजाई जाती है। सीधी सीधी दादरा बजेगी तो आपको पता नहीं पड़ेगा, लेकिन दादरा का जो ऐसा चलन है जो आपके फैमिलियर है, एक बार वो बजा लेते हैं। धिनता तच धिन्ना धिनता तच धिन्ना धिनता तच धिन्ना, ये वाली दादरा आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी और ये आप पहचान भी लेते हैं, ये आपके आरतियों में बजती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा,
तो ये आपको आराम से पता चल रही है क्योंकि आपने बहुत सुनी हुई है। और इसी प्रकार से जो आपकी वो आरती चलती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से जो सुप्रसिद्ध आरतियां हैं, आपके भजन हैं, वो भजन टेगा में आ गए, तो वो आपको पहचानने आने चाहिए। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सारी तालें चल रही हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आप इनको सुनते हैं, गीतों में सुनते हैं, बस ये है कि वो तबले की जगह अगर ढोलक पे बज गई या ढोलक की जगह ड्रम पे बज गई तो आपको पहचान में नहीं आती है, जबकि ताल वही बज रही है, खंड अगर आपने पहचान लिया तो ताल पहचान जाएंगे। दादरा का आपने वो रूप सुन लिया, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये वाली जो चाल है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, धिनता ता तिक धिनना, धिनता ता तिक धिनना, ये आपने सुना, ये आपने मराठी संगीत में सुना होगा, लावणियां सुनी होंगी इसमें, है ना, या फोक सुना होगा। अब एक ऐसी दादरा जो बेसिक ठेका है, लेकिन वो अगर बज जाए तो हम दादरा जो हमारी इतनी फैमिलियर ताल है उसे ही नहीं पहचानते हैं, वो है उसका ठा का बराबर की लय का ठेका, जो दादरा का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। धा धिन ना, धा तिन ना, धा धिन ना। अब ये जो दादरा है ये सुनने वाली है और ये पहचानने वाली है, क्योंकि इसमें एकदम से वो एक दो तीन नहीं नजर आता, इसको बोलों को आपको पहचानना पड़ेगा, बोलों को आपको डेस्टिनेशन मानना पड़ेगा, लैंडमार्क मानना पड़ेगा, ठीक है, तब समझ आएगा। जैसे अगर इस वाली दादरा में मैं कुछ गाता हूं, नींद तेरी यही दादरा थोड़ी गजल में बज जाए तो यही चलन है, बस थोड़े बोल बदल जाते हैं, जैसे कि धा कर तिट ता धिन धिन, धा कर तिट ता धिन धिन। जैसे मेहदी साहब की आप वो सुनेंगे, सोचा कर मर जाएगा, मर जाएगा, मत सोचा कर तन्हा, तन्हा मत सोचा, मर जाएगा, मत सोचा कर तन्हा, तन्हा मत सोचा कर। तो ये ऐसी वाली दादरा है, तो ये सारी तालें बजेंगी वैसी ही, इनके बोल पहचान लीजिए, तबले पर पहचान में आ जाएगा, इनके साथ गायन, इनमें गायन बहुत सारा करना पड़ेगा, अलग अलग ख्याल, अलग अलग गाने इनमें बजा के सुन के पहचानने के पर्सपेक्टिव से प्रैक्टिस करना है। सिर्फ बज रहा है, हमें अपने गाने की प्रैक्टिस करनी है तो कभी नहीं पहचान पाओगे, पहचानने की कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश के लिए क्या क्या पैंतरे अपनाने वो मैंने बताई दिए, वो बोल पहचानो पहले, ना तिन तुन कत धिन गे, ये सारे बोल आपने पहचाने, फिर इन्हीं बोलों के कॉम्बिनेशन में तो वो ताल बज रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाया हूं, और सुप्रसिद्ध जितनी तालें होती हैं सबको हमने देख लिया, दादरा रूपक कहरवा झपताल तीन ताल एक ताल सबको हमने लगभग देख लिया, इसके अलावा भी बहुत सी तालें होती हैं, लेकिन वो आपके अप्रचलित तालों में आ जाती हैं या फिर अल्प प्रचलित तालों में आती हैं, जैसे कि पंचम सवारी बजेगी तो वो थोड़ी अल्प प्रचलित ताल है, ज़्यादा लोग जानते नहीं है, या नौ मात्रा है, ग्यारह मात्रा है, दस मात्रा है, सॉरी नौ ग्यारह तेरह, ये जो है तो काफ़ी ही अप्रचलित हैं, ये तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी भी कोई ताल होती है विषम, क्योंकि इनके नाम भी ज़्यादा है नहीं, ये बाद में बनाई गई तालें हैं, या ये थोड़ी सी मैथमेटिकल हैं, इनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके तेरह मात्रा थोड़े में परिवर्तन उसमें पंद्रह उसी को कर दिया, तो ऐसे भी बनाई जाती हैं। बाकी आपने दीपचंदी सुनी होगी, धा धिन धा धा धिन धा तिन ता ता धा धिन धा धा, ये एक ताल सुनी होगी आपने, जिसमें आपने केसरिया वालम सुना होगा, केसरिया प्रकार से आपने सुना होगा, या फिर इसी में आपने अभी मुझ में कहीं भी सुना होगा, दीपचंदी पे और भजन टेका पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, तो उन तालों को पहले सीखो,
तब ही पहचान पाओगे, रागों को सीखो तभी पहचान पाओगे। ये सीधा सा जवाब होता है। जो लोग कहते हैं राग कैसे पहचानेंगे, ताल कैसे पहचानेंगे, तो सीखना पड़ेगा ना, पहले जानना पड़ेगा तभी तो पहचान होगी। जानकारी ली नहीं तो पहचानोगे कैसे? हाँ, ये जरूर है कि डेटा कलेक्शन के हिसाब से मैंने आपको कह दिया, हाँ इस ये गीत फला राग में है, ये गीत फला ताल में है, तो आपने याद कर लिया, हाँ भाई ये वाला गाना इसमें है, ये वाला गाना उसमें है। मैं उस ही गाने को आपको किसी दूसरी ताल में गा के बताऊंगा तब भी आप यही बोलोगे, हाँ ये तो उसी वाली ताल में है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ताल बदल गई है, मैं उसी गीत को आपको किसी और ताल में भी गा के बता सकता हूँ, उसी जैसे यही केसरिया वाला में। अब देखिए, मैंने आपको बताया आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये 14 मात्रा में है, अब मैं इसको 6 मात्रा में गाता हूँ, बजाइए। केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे पिया प्यारी राबोने पधारो मारे देश। अब यही मैंने 6 में गा दिया, लेकिन आपने अगर इन्फॉर्मेशन में सेट कर लिया कि ये तो 14 में होता है, तो आप इस 6 को भी 14 बोलेंगे, तो ऐसा नहीं है, है ना? यहाँ 6 भी बच सकती है या 7 भी बच सकती है। मैं 8 में भी गा सकता हूँ इसी केसरिया बालम को, अब मैं 9 में भी गा सकता हूँ इसी केसरिया बालम को। तो हर गीत अलग अलग तालों में भी गब जाता है, कभी कभार चेंज भी होता है, तो आप ऐसा नहीं कि उसको सुनिश्चित कर लेंगे। गीत में कौन सी ताल लगती है, इसको पहचानने के लिए एक सेपरेट चीज़ है, उसमें आपको उसकी पोएट्री समझनी पड़ती है, पोएट्री की बांट समझनी पड़ती है, उसकी कंपोजिशन की बांट समझनी पड़ती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो हमारा टॉपिक था, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा वीडियो दिया मैंने, और उसमें अगर नहीं समझ आया तो फिर आपको एक तबला वादक को हायर करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको कुछ समय बिताना पड़ेगा, और उसके साथ ही आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ठीक है? तो भवेन का शुक्रिया, इन्होंने हमारा साथ दिया, और तबले पर बखूब इन्होंने हर ताल का स्पष्टीकरण किया और बजा के बताया, प्रेजेंटेशन किया। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ और वीडियोज़ में लाता रहूँगा, कुछ ना कुछ और नए इसी तरह से अच्छे कलाकारों से मिलता रहूंगा, आप लोगों को मिलाता रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।